नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत करछि मु चिन्मय। दर्शक बंधु न्यूज रूम लाइव रे आमे सब बेले लोकक समस्या संपर्क रे आलोचना करिथाउ एवं आलोचना रे अनेक अतिथि माने मध्ये आम सहित जोड़ी हंती, किंतु आज आम आलोचना करुच्छे गोटे नुहे दुईटी संपर्क रे बा दुईटी समस्या उपरे आम आलोचना करबा को जाउछु। गोटे समस्या होछि भद्रक रो धामनगर रे, भद्रक धामनगर अंचल रे ब्रिज काम चलीथिबा बळे ना सेठारे अछि सूचना फलक, जदियो सूचना फलक लगा जायछि किंतु सेतिरे कोनोसी प्रकार सूचना नाही, एवं यहा सहित ना सेठारे उपस्थित अछन्ते कोनोसी सरकारी जंत्री, किंतु जेतेबळे समय सीमा धार्य करा जायथिला जे दुई मास भितरे पोल निर्माण कार्य सर, वर्तमान पांच मस को बसलानी किंतु पोल कम सरुनी, एपटे पोल दे जातायात करुवा लोकों पर जेहेतु पोल निर्माण चली अस्थायी रास्ता निर्माण कर किंतु अस्थायी रास्ता वर्तमान सठिक भाव में कर प्रत्येक दिन से जावासवा करुवा लोक अनेक समस्या सम्मुखीन होती। ये संपर्क में आलोचना करवा धामनगर आम प्रतिनिधि जोड़ी हे, और आउ गोटे समस्या हूँ जे गंजाम कथा जी क्षमा करेंगे सोनपुर कथा कह सोनपुर वर्तमान एमती एक चित्र आसी वीर महाराजपुर ब्लक रु चित्रटी हो वास्तविक भाव में वर्तमान अदिनिया वर्षा होदिनिया वर्षा फल अंचल गाँ मझे वर्तमान आंठुए पा जहाँ को बारंबार अभियोग कर ड्रेन सेपटे वर्तमान भर्ती हो गला ड्रेन में पा पास करूनी गाँ मझे आंठुए पा रही लोक जावासवा असुविधार सम्मुखीन होती। ये सबको नहीं आलोचना करवा दुई दुईट प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी हे पूरा ग्राउंड रु वास्तव स्थित आम को देखे लोकों प्रतिक्रिया ना वास्तविक समस्या क्योंकि जोबले लोक मानी ये व्यवस्था होती लोक मैंने असुविधा थी कहीं प्रशासन रिद भांगुनी कहीं प्रशासन शुणुनी एक केवल प्रशासन कान में पहुंची ता नुहे कारण लोक मैंने बारंबार प्रशासन निकट को जाती जन समस्या संपर्क में कितु आज पर्यटन फल शून ये प्रश्न उठू जोबले लोकों सुविधापी कम होती कहीं से सुविधा लोक पाई तो वर्तमान भद्रक धामनगर रु आम सहित विश्वजित पलाई जोड़ी होती। विश्वजित वर्तमान पोलर स्थिति कौन रही देखु वर्तमान जो भाई वर्तमान स्थित रही निश्चय कहीपर जो गत काली नहीं जो रही जो प्रसंग ए प्रति प्रशासन किसी भी दृष्टि देना जो भाई रही से जो रास्ता समस्या कथा कहतु से फलक कथा कहतु कि गोटे पटे देखा मिली आज कार्य चली सका सका कार्य आरंभ होता आज्ञा तेबे विश्वजित लोक माने कौन प्रतिक्रिया रखुचंती केते समय सीमा धार्य करा जाइथिला पोल निर्माण कार्य सरिबो बोली आ वर्तमान केते दिन लागिलानी पोल काम सरुनी आ सूचना फलक नथिबार कारण कौन होइथाय पारे किछि भिन्न कारण रहिछि ना वास्तविक ये सरकारी अर्थको चळो करबा पई व्यवस्था होउछि निश्चित कही पार ये गोटे पटे निश्चित जो सरकारी जो अर्थ जो सूचना फलक किसी न देखा फल निश्चित भाव कही पार ये हूँ गोटे चक्रांत किभि ये जो पोलर के रही प्रोजेक्ट यहाँ को न जनवा साधारण लोकों गोटे हकदार अच्छी जो कम चली जो ब्रिज रण चली के प्रोजेक्ट यहाँ ढाकवाई निश्चित भाव में फलक सूचना दि जाए तो निश्चित कही पार ये गोटे प्रकार जो कंट्राक्टर कहतु प्रशासन भितर ये एक मधुचंद्रिका कहीपर ये गोटे सालिश चली आउ गोटे पटर देखिपर जो कार्य आज सका सका चली देख रास्ता दे जो लोक मैंने जावास कर लोकों गोटे दाबी रही लोक मैंने अभियोग कर रास्ता को जो करा मरम पका जाऊना जो अस्थायी रास्ता कर निश्चित भाव में ये जो देखु जो भिजुआल मध्यम यह समस्या साधारण लोक भोगुं का प्रतिक्रिया नवाक चेषा करूँ प्रतिक्रिया आगामी दिन नहीं जो लोक मान प्रतिक्रिया रखुले कौन पाई जो साधारण लोक को जो सूचना दि न दे कौन पाई रखा जाए जो घंट गुड़ाई कि प्रशासन आ जो कंट्राक्टर बाबू मध्य निश्चित भाव कही पार ये गोटे है मधुचंद्र काम रही चिन्मय निश्चित भाव में विश्वजित कौटिना कौटी लोक मान अंधारे रखापी प्रशासन चेष्टा कर सठिक सूचना वर्तमान सूचना फलक देखा जाऊना जहाँफल केते टंका एथिरे मंजूर मिली केते दिन रे काम सर कथा केते किलोमीटर पर्यंत पोल निर्माण करा जिवो ये सब वर्तमान अंधार रे एवं जे जंत्री रहिबा कथा सरकारी जंत्री तांकर मध्य देखा नाही ठिकादार सेठाने मनमुखी कार्य चलाउछि विषयते वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी किछि प्रतिक्रिया रखुछन्ति कि
ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଭେଟ ମିଳିପାରୁନି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରଖିପାରୁନାହୁଁ ଆମେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସରକାରୀ ବିଡ଼ିଓ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ବାବୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଣ୍ଡାର ପୋଖରୀ ଯାଇଥିଲୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା ଚିନ୍ମୟ निश्चय भाव में विश्वजित आम सहित जोड़ी रही था आपण सहित आलोचना आगक जारी रहा कि बर्तमान जीवा आम सहित सुवर्णपुर वीर महाराजपुर आम प्रतिनिधि जोड़ी होती सत्यव्रत प्रधान सत्यव्रत जो अभियोग आसुची अदिनिया वर्षा बर्तमान गाँ दाण्डे आंठुए पा जदि अदिनिया वर्षा एभली समस्या ताहले वर्षा दिन आसिले ताहले स्थिति तो सांघातिक हेबो देखु चिन्मय आम गत काली जहाँ देखा पूरा ग्राउंड जीरो रु चित्र देखाऊ गाँ मझे आंठुए पा जमी रही है और खरा दिन में अदिनिया वर्षार अछर वर्षार आंठुए पा हो पंक पड़ी रही से पा निष्कासन हो पार नहीं जहाँफल गाँववासी नानादेय असुविधा भोग कर प्रमुख छक मेंडामाल ग्राम प्रमुख एक छक जमी रही बारंबार प्रशासन पाखे अभियोग कर ग्रामवासी तथा तो कौन से प्रकार पदक्षेप ना जहाँ को असंतोष प्रकाश कर ग्रामवासी जहाँ आम गत काली चित्र देखा एवं आज जहाँ आम पचारि बुझुलु से जो गाँ कल्याण समिति पांठि रही से पांठि आज खबर नौ से जो ड्रेन रही निष्कासन पर ड्रेन को पोता पोती हो जाता जो ड्रेन से आम खबर प्रशासन पर चेती से ड्रेन को आज खोलिबा आरंभ कर आशा रहइबो जो प्रशासन जो भाई पदक्षेप नवा कथा आम दिन किसी मात्र खुशी कथा जिते ड्रेन को निष्कासन कराला ड्रेन गुड़िक संपूर्ण भाव में पोती जाता कि खबर प्रसारण पर बर्तमान प्रशासन चे उठी से ड्रेन को वर्तमान निष्कासन करा जाउची पानी मध्ये जाउची किंतु सत्यव्रत एटी प्रश्न उठुची सब बेले कहीं गणमाध्यम प्रसारण होगा पर प्रशासन नित भागे पूर्व कहीं नुहे कारण सेठे जनप्रतिनिधि रही विभिन्न स्तर में सरकारी अधिकारी रही नजर कौन पड़ूनी लोक पुणी अभियोग कर बारंबार से अभियोग संपर्क में जनई कि कहीं समस्या समाधान कर देखो चिन्मय गोटे कथा अच्छी चे सोई थी जे ताकू उठाइब किए एभली प्रथार ना प्रशासन शुणुची लोकों कथा सब देखुची जानुची किंतु प्रतिकार कर पारना कौन सी समस्यार समाधान कर पारना विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रसारण पर से चेतुची एवं बारंबार अभियोग कर दिने ये घटना आज नुहे कि कालीर नुहे बारंबार एभली हूँ गाँव में पा जमुची लोक नाना दि असुविधार सम्मुखीन होती विभिन्न रोग से पड़ुंट बारंबार अभियोग वार्ड मेम्बर ठूँ आरंभ कर पंचायत लेवल स्तर और प्रशासनिक अधिकार विडीओ सब कलेक्टर पर्यटन अभियोग करोसी प्रकार सुफल मिलू आम जितेबाला खबर प्रसारण कलु गाँव रो अंगनवाड़ी अच्छा वार्ड मेम्बर अच्छा से हृदबोध कर जो ड्रेन टा 100 मीटर ड्रेन अच्छी से ड्रेन को खोलवा खोलिबा पाई आरंभ कर खुशी कथा किंतु आमे बारंबार दाबी ग्रामवासी बारंबार दाबी कर जेहेतु नीतिदिन समस्या रही है दीर्घस्थायी प्रतिकार करिबार समाने दाबी कर प्रशासन एति प्रति नजर देवा समाने अभियोग दाबी कर निश्चय भाव में सत्यव्रत ये आज कथा नथिबो अनेक दिन धरी एभली समस्या लागि रहउछि ताले वास्तविक भाव में स्थायी प्रतिकार यार हम तो आशा करा जीवो स्थायी प्रतिकार जिला प्रशासन हो कि ब्लॉक प्रशासन हो चेतिबा आवश्यकता रही है जेहेतु सरकार योजना करुछंती गाँ को काम माँ को सम्मान बोली नारा देउछंती आम गाँ आम विकास ना रे अनेक टंका खर्च करुछंती जो खर्च करुछंती खर्चटा ठीक जगह लगी पार ना जहाँ फल घटना होती आउ जहाँ गत काली ग्रामवासी अभियोग करते ड्रेन कम कम पीसी थाए से ठिकादार कर सब जो सरपंच अच्छा से करने को इच्छा करूना संगीन अभियोग कर ग्रामवासी जे कम पीसी कम करना जहाँफल अवस्था बारंबार देखा मिलूँ एवं आम आशा करूँ प्रशासन अधिप्रति दृष्टि देव एवं दीर्घ मियादी जो योजना करी कले गांववासी उपकृत होबे निश्चित भाव में सत्यव्रत जो दृश्य आम टीवी स्क्रीन रे चली ये दृश्य देखला पर समस्त को व्यतीत कर कारण जो पानी रो दृश्य रही एत मात्र पानी जमी रही लोक मैंने जावासवा कर ग्रामांचल छोट छोट पिलापटे जावासवा करुवे वास्तविक भाव में किभली भाव में प्रशासन रे दायित्व जे यहाँ अणदेखा कर सब गुरुत्वपूर्ण कथा हो बर्षा दिन आसवा पूर्व सत्यव्रत यार समाधान होवार आवश्यकता रही
निश्चित भाव में वर्षा जेहेतु वर्षा दिन आग आगामी दिन में वर्षा अच्छी वर्षा हेले अधिक जगह पा जम पा जदि निष्कासन हो नपर से पा जमिक दुर्गंध हे पाखे रोकवा घर मैंने असुविधा पाए से नाना दि प्रकार रोग हबार आशंका जहाँ अभियोग कर गाँववासी एवं से पा गंध हो जो निकटवर्ती घर मान सब रोबार असंभाल हो पड़ी एवं प्रशासन ए निहाती भाव दृष्टि देवार आवश्यकता रही ग्रामांचल स्तर ग्राउंड जीरो रु आम जहाँ देखु जे गाँव में कंक्रीटकरण करना जहाँफल पा जमार देखा एवं ड्रेनेज व्यवस्था गाँव को स्वच्छ सुंदर करने ड्रेनेज व्यवस्था कर सरकार पक्ष कोटि कोटि टाँग खर्च करवल कागज कलम खर्चा है वास्तविक चित्र अलग देखा देखा मिलूँ तो एप्रति निश्चित समस्या पाखे पहुँचनी प्रशासनिक अधिकारी मैंने पहुँचुना शुणुना लोक जो समस्या रही से सबक जानूना आ सब गुरुत्वपूर्ण कथा होते गणमाध्यम खबर प्रसारण होते बड़े प्रशासन निद भांगुच्छी और अस्थायी भाव में सब समस्या समाधान प्रतिकार करा जाता स्थायी भाव में हुए तो वर्ष वर्ष धरी ए समस्या सामना को आसंतानी वर्तमान सुधा पोल कम सरनी आग को बर्षा दिन अच्छी आपड़ जानते बर्षा दिन आसिले रास्ता कम पोल कम ये सब को बंद कराए ताहले किभली भाव में केते समय भितर ये पोल कम सर आदि न सर आग को बर्षा दिन अच्छी लोक मैंने अधिक समस्या सम्मुखीन हे देखो ये जो ब्रिज निर्माण दि मस भर सार बर्तमान पांच मस हो गला आग को बर्षा दिन रोची मस भर न सर जाए निश्चित भाव में जो स्थानीय लोक हूँ जो रास्ता दे गमन गमन कर लोक मैंने निश्चित भाव में असुविधार सम्मुखीन हे आ गोटे पटे जो रास्ता को जाजपुर हो कि भद्रक लोक मैंने प्रतिदिन जावा आसा कर निश्चित भाव में साधारण लोक आरंभ कर लोक मैंने निश्चित भाव में देखा मिलूँ तेज ये रास्ता दे प्रतिदिन कौटी ना कौटी जो वर्तमान लोक मैंने समस्या भोगुच्च आगामी दिन में बर्षा दिन आसुवर निश्चित भाव में यदि शीघ्र नकाम हम निश्चित भाव में लोक मैंने बहु असुविधार सम्मुखीन हम चिन्मय विश्वजीत वर्तमान जो पोल निर्माण करा एवं लोक मैंने जातायात कर वास्तविक केते लोक बा केते संख्यक लोक यही रास्ता उपरे निर्भर कर देखो यही रास्ता उपर प्राय 15 पंचायत लोक निर्भर करते प्रतिदिन जावास करने जाजीपुर को कहीं जेहेतु ये भंडारी पोखरीर से जो बन्या अंचल रही तेज भंडारी पोखर जो बन्या मालदा कहींपर मणिनाथपुर कहींपर कोरीगा पटापल हो सरसदा यही ग्राम रिच्छी लोक मैंने प्रतिदिन जावास कर भंडारी पोखरी जाजीपुर मेडिकल कथा कहतु मत विभिन्न सामग्री जाजीपुर उपर को निर्भर करता तेज यही रास्ता उपर 15 हजार लोक ऊर्ध लोक प्रतिदिन जावा आसा तो निश्चित कहीपर ये जो लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन भोग चिन्मय विश्वजीत वर्तमान पोल परिवर्ते जो अस्थायी रास्ता निर्माण करा जाएगी से अस्थायी रास्तार चित्र कौन रही अस्थायी रास्तार जो अभियोग आसुच्छे लोक मैंने प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होती कौन कौन एभली घटना घटी देखु गत दुई दिन तले गोटे आंबुलांस से फसिक रोला चित्र माध्यम आप दृश्य मध्यम देखी पार्थे गोटे अटो को किभली जन लोक ठेलुच तो यह विभिन्न जो टिके जो तोपाई वर्षा हेले लोक मैंने ये असुविधार सम्मुखीन होती तेज ये जो मणिनाथपुर ब्रिज खाली नुहे आउ गोटे पाख अंचल मालदार गोटे ब्रिज निर्माण कार्य करते सामान अवस्था देखा मिलूँ चिन्मय तेरे विश्वजीत वर्तमान प्रतिक्रिया कौन आसुची जो मैंने रही स्थानीय लोक से माने कौन कहते कौन अभियोग करते थर प्रशासनिक अधिकारी को ए संपर्क में जनाई देखु स्थानीय लोक ये मध्यम गण जो सोशल गण मीडिया विभिन्न समय लिखिता देखा मिली तेज कोविड टाइम कि ब्लॉक हो कि जिलापाल कार्यालय को अभियोग करने जाऊन आगे सामाजिक गणमाध्यम तेज गोटे पटे जो स्थानीय लोकों अभियोग रही कौन पाई जो स्थायी रास्ता को कौन पाई जो लालीगुड़ी पक न करे कौन पाई जो बिना कार्य जो जंत्री उपस्थित काम चली कौन पाई सूचना फलक लग जाए स्थानीयवासी ये जो अभियोग आम मध्यम जनई चिन्मय तेज विश्वजीत वर्तमान से रास्ता देखी जो नेता मंत्री एम पाद पड़ू ना नहीं से माने रास्ता देखी जाऊँ ना ना जदि जाऊे ये दृश्य को तो निश्चित भाव में देखु कहीं समाधान हो
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଏ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ? ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାସୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଚିନ୍ମୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଇଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ମାସର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, 5 ମାସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରୁନି। ଆଉ ପୋଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକେ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଫଳକ ରହିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଥିଲା, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିବାର ଥିଲା, ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଠିକାଦାର ସମସ୍ତେ ଇଏ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସତ୍ୟବ୍ରତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପାଣିକି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସରି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପଙ୍କ ରହିଛି, ତାହେଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପୁରା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ବୋଲି ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମର ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା, ସେ ବାଟ ଦେଇ ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଲୋକ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ପାଣି ଖାଇବା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ 3 ୱାର୍ଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁର 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ସେ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ତାମାନେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେଟା ଖୋଳିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁଣି ମାଟି ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ସେ ଅବସ୍ଥା ସମାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିଛି ତା ତଳେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି? ଯଦି ମାଟି ରାସ୍ତା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପାରେ, ଯଦି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଥାଏ ହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ନିଷ୍କାସନ କରିହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ତ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ମଶା ମାଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜମିବେ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ସେଇ ଜାଗାରେ କଂକ୍ରିଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଣ୍ଠୁଏ ପୁରା ପଙ୍କ ରହିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଂକ୍ରିଟକରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଯେତିକି ବି କଂକ୍ରିଟ ହେଇଛି ଗାଁରେ କଂକ୍ରିଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖରାପ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ କଂକ୍ରିଟର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିଟା ଜମି ରହୁଛି ଏବଂ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ଯଦି କଂକ୍ରିଟ ଉପରେ ପାଣି ଥାଆନ୍ତା ତ ନିଷ୍କାସନ ହେବାର ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଂକ୍ରିଟ ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ ସେଠାରେ ନାହିଁ, ପଙ୍କ ପଡ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଖାଲୁଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ ତା ଉପରେ ମାଟି ମୁରୁମ ପକାଇକି ରାସ୍ତାକୁ ସମତୁଲ କଲେ ତାପରେ ଏ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର 10,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଆସେ ସେଇ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ କାଗଜ କଲମ କରି ଖାଇଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଏହାକୁ ଦେଖି ଗାଁବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ କାଲି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ। ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ଅନେକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ
वर्तमान प्रधानमंत्री सड़क योजना समस्त गांव को करा जिबार व्यवस्था होई छी। या भितरे काहे के लोक मानक पई रास्ता बा ग्रामांचल को रास्ता होई पने ये मध्ये एक बड़ समस्या होई छिड़ा होई छी। कारण देखंतो वर्तमान राज्य सरकार शासन करिबार पाखापाखी 21 22 वर्ष बीती गलानी किंतु आज पर्यंत एमिति गां रही छी जोठी की सठिक भाव रे रास्ता नाही। आ सबटो गुरुत्वपूर्ण कथा होई छी जे सत्यव्रत जदि वर्तमान लोक मानकर समस्या समाधान न हुए बा स्थायी समाधान करा न जाय लोक माने कोन प्रतिक्रिया रखुचंती कोन पदक्षेप नेबे कारण यह हूँ गणतंत्र ना। देखो लोक मैंने जहाँ कहते जहाँ असंतोष प्रकाश करुले जे आगामी दिन में आंदोलनात्मक पंथा अवलंबन करेंगे से मैंने जेहेतु युवक युवपीढ़ी बाहरी जे गाँव रहा गोटे गाँव रज्जत कहुपे जेहेतु गाँ मझी गाँ मझी एभली अवस्था है किए गोटे बाहर किए आसिले कौन कह से भी गाँ लोक अनुभव कले आगामी दिन में यह नहीं तीव्र विरोध कर प्रशासन को अचल कर बोलिकी जहाँ गत काली कहते ग्रामवासी एवं देखा बाकी रहा जे प्रशासन यापर कौन पदक्षेप ने पा निष्कासन करने तार दीर्घ प्रतिकार करने दीर्घ मियादी प्रतिकार करने कौन व्यवस्था करुच्ची निश्चित भाव में सत्यव्रत वर्तमान प्रमुख समस्या हो जे जेतबेले खरा दिन आउ अदिनिया वर्षा रे एभली जदि स्थिति बेहाल ताहाले वर्षा दिन कथा न कहिबा बोलो आउ वर्षा दिन आसिले एभली बारंबार चित्र सामना को आसिबो या भितरे प्रशासनिक अधिकारी माने तत्परता देखैबार आवश्यकता रहिछि एवं स्थायी समाधान करिबार आवश्यकता रहिछि। परवर्ती समय आपन पाखो फेरिबी किंतु वर्तमान विश्वजित को पाखो पई पाखो को जिबा पई चाहिबी विश्वजित वर्तमान जदि देखुछि आगो को वर्षा रहिछि एवं खूब कम समय बा आउ कम समय रहिछि जो समय भितरे पोलो जदि नसरे स्थानीय अंचलवासी कौन प्रतिक्रिया रखुचंती बारंबार तो अभियोग कले वर्तमान सुधा प्रशासनिक अधिकारी शुणुना जंत्री देखा ना कौन वर्तमान प्रतिक्रिया आसुच्छ लोक मैंने आगामी पदक्षेप कौन अपने चाहते देखु जो स्थानीय बासिंदा रही जो अभियोग जदि आगामी दिन में यह खूब शीघ्र ये जो समाधान न हुए एने से गोटे प्रेसमिट कर सूचना दूसरे जो स्थानीय बासिंदा सेपटे अपर पक्ष जो रही जो बद्री नारायण दल जो बीजेपी नेता रही भंडारपुर सी प्राय दुई दिन भितर ये रास्ता खाली रास्तार बहुत बड़ दुर्नीति अच्छी से प्राय यार बहुत किसी असुविधार सम्मुखीन लोक होता बेले निश्चित भाव में कहीपर ये रास्ता को नहीं सी गोटे प्रेसमिट आक सूचना चिन्मय निश्चित भाव में विश्वजित आशा करने प्रशासन खूब शीघ्र लोक मान समस्या संपर्क में बुझु और समस्या समाधान कराऊ स्थायी समाधान कराऊ कारण ये हूँ किंचित मात्र आग को वर्षा दिन रही जदि वर्षा दिन में सठिक भाव में लोक मान समस्या समाधान न हुए स्थायी कार्यानुष्ठान न निया जाए ताहले लोक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होबे। आ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि जेतबेले खरा दिने एभली रास्ता को नहीं वर्तमान अभियोग आसुछि ताहले वर्षा दिन स्थिति मध्य न कहबा भलो। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वति पलाई भद्रक धामनगर आम सहित आम प्रतिनिधि जोड़ी होते आम सहित सुवर्णपुरु आम प्रतिनिधि सत्यव्रत प्रधान जोड़ी होते उभय को धन्यवाद देवाई चाहिए। आप सूचना समय सरछि न्यूज रूम लाइव को रखुचु। नमस्कार।